जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और नए नए चीज़ों के इजाद करने के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसा ही 2022 में भी जापान किया है। जापान एक ऐसा तकनीक का यूज़ किया है जो पूरे विश्व में एक इकलौता देश है जो उस तरह का तकनीक का यूज़ किया है और एक तकनीक अपनाया है। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जापान कौन सी चीज़ को आविष्कार किया, क्या बनाया है जो अभी तक कोई भी देश उस पर विचार भी नहीं किया था और ना ही बनाया है, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जापान हवा में उड़ने वाली बाइक बनाया है। अभी तक कोई भी देश हवा में उड़ने वाली बाइक नहीं बनाई थी और जापान ये कर दिखाया है। जापान हवा में उड़ने वाली बाइक बनाया है जिसका रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है। 2022 में दुनिया ने पहली बार उड़ने वाली बाइक देखी। अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक नज़र आई और जिसे होवर बाइक कहा जा रहा है। इस जो ये उड़ने वाली बाइक आप देख रहे हैं, इस बाइक को होवर बाइक कहा जा रहा है और इस बाइक को जापान की एक स्टार्टअप कंपनी एयरविंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। और यह बाइक एकदम नॉर्मल जैसे अदर बाइक जो पेट्रोल से चलती है, सेम उसी तरह ये भी बाइक पेट्रोल से चलती है। और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, और इसे जो उड़ाने की जो क्षमता है, इसे कितने देर तक आप उड़ा सकते हैं, वो 30 से 40 मिनट तक आप इसे उड़ा सकते हैं। और जितना उड़ेगा, 30 से 40 मिनट तक उड़ेगा, वो भी स्पीड जो रहेगी 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड रहेगी। और आप इसे जब ज़मीन पर चलाइएगा बाइक की तरह, तब भी इसका स्पीड आप 100 किलोमीटर प्रति आवर से ये स्पीड दे सकते है। तो इस तरह ये जो उड़ने वाली आप बाइक देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर की तरह ये आसानी से हवा में उड़ान भर रही है, और इस पे व्यक्ति बैठकर इसे कितनी सहज, कितनी सरल तरीके से इसे कंट्रोल कर रहा है, उड़ा रहा है, लैंड करा रहा है, फिर उड़ा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से। आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इसे उड़ाने में खतरा है या ऐसा कोई चीज़ें हैं। कितनी बेहद अच्छे तरीके से एकदम कंट्रोल करके ये बंदा इसको उड़ा रहा है, लैंड करा रहा है। तो ये है जापान की नई टेक्नोलॉजी जो पहली बार पूरे विश्व में ऐसा उड़ने वाली बाइक नजर आई जिसका नाम होवर बाइक है। दोस्तों इस बाइक की जो कीमत है वो 6 करोड़ रुपया है, तो आम लोगों की खरीदने की तो बस की बात है ही नहीं। ये करोड़पति अरबपति लोग खरीदेंगे इसकी, और इसे जो है भारत में या अन्य देशों में बेचने के लिए, विक्रय के लिए 2022 तक विभिन्न देशों में उपलब्ध कराया जा सकता है। जापान की तरफ से ऐसा दावा किया गया है कि 2025 तक भारत समेत अन्य देशों में भी ये उड़ने वाली बाइक, होवर बाइक उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दोस्तों जापान किस तरह का ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। आसानी से आप एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठकर आप इस पे आसानी से उड़ सकते हैं। और आप ट्रैफिक में अगर कहीं फंसे हो और वहाँ पे आपको अर्जेंट हो, तो ये बाइक अगर आपके पास है तो आप आसानी से उड़कर ट्रैफिक पार करके जा सकते हैं। दोस्तों आप 10 साल या 15 साल पहले आप इस तरह का कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। क्या आप वास्तव में कल्पना किए थे कि 10 साल पहले 1000 किलोमीटर या 2000, 3000, 4000 किलोमीटर कोई विदेश में कोई बंदा बैठा हुआ है और उस बंदे को आप अपने सामने अपने बेडरूम में बैठे उस व्यक्ति को आप देख पाएंगे? क्या आप वास्तव में 10 साल पहले ये कल्पना किए थे? लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं ना, वीडियो कॉलिंग से 1000, 2000, 10000, 20000 किलोमीटर कोई और देश में बंदा बैठा हुआ है, उसे आप एकदम फेस टू फेस देख लेते हैं। आप मेटा के जरिए, मैं इस पे वीडियो भी बनाया था कि मेटा के जरिए आप अपने बेडरूम में बैठे आप अपने ऑफिस का दौरा कर सकते हैं और वर्चुअल वहां आप देख सकते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे काम हो रही है। तो ये 5G की ज़माना में आप इतनी टेक्नोलॉजी जो आप सोच नहीं सकते हैं वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, अब बहुत सारे नज़र आ भी गई है। तो यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये बाइक क्या है और कौन सी देश इसको बनाया है और क्या इसकी कीमत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।